और इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप को लेकर अब आतंकवादी संगठन अलकायदा ने एक जो है धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो इस टूर्नामेंट से दूर रहें वरना हिंसा होगी। ये धमकी जो है वो आतंकवादी संगठन अलकायदा की तरफ से यहां पर दी गई। आपको बता दें कतर में इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया है। ये कतर जो है मुस्लिम देश है, यहाँ पर ये आयोजन यहाँ पर किया गया है जो पहले से ही विवादों में चल रहा है। अब एक और बड़ी खबर ये है कि इस पर अलकायदा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अलकायदा ने धमकी देते हुए कहा है कि सभी मुसलमान, दुनिया भर के जितने मुसलमान हैं, वो इस टूर्नामेंट से दूरी बनाए रखें, यानी कि वो इसे जो है ना ही देखें ना ही यहाँ पर हिस्सा लें। ये बड़ी बात यहाँ पर अलकायदा की तरफ से धमकी देकर कही गई है। आपको बता दें कि कई प्रतिबंधों और कड़े नियमों की और साथ ही सुरक्षा के बीच यहाँ पर कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें कई जो विवाद हैं वो पहले से ही जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर अब जो है चिंता और गर्मा गई है। अब आपको बता देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अलकायदा ने क्या बात कही है। अलकायदा ने कहा है कि अनैतिक लोगों, समलैंगिकों, भ्रष्टाचारियों और नास्तिकों को कतर में बुलाने की उसने आलोचना की है, और साथ ही साथ ये कहा है कि इस टूर्नामेंट ने मुस्लिम देशों के कब्जे और उनके उत्पीड़न से ध्यान हटाने का काम किया है। ये बात यहाँ पर अलकायदा की तरफ से की गई है। साथ ही कहा है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को इस आयोजन में शामिल ना होने की चेतावनी देते हैं, अगर ऐसा होता है तो टूर्नामेंट में हिंसा होगी। ये बात अलकायदा की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि ये आयोजन पहले से ही विवादों में है, तमाम प्रतिबंधों और कड़े सुरक्षा के बीच यहाँ पर ये आयोजन किया गया है, और इसको लेकर एक जो बड़ी यहाँ पर जो विवाद है वो ये है कि कतर में शराब लीगल है लेकिन जो टूर्नामेंट का स्टेडियम है इसमें शराब बैन कर दी गई है। इसके बाद से जो शराब कंपनी है वो भी काफ़ी नाराज़ है, उसने भी इसकी आलोचना की है कि क्यों शराब बैन की गई है। हालाँकि इसके बाद जो कंपनी ने कहा है कि हमारे पास हजारों कैंस थे जिन्हें हमें बेचना था, लेकिन अब कतर ने स्टेडियम के अंदर शराब बैन करने के बाद इस कंपनी ने इसकी आलोचना की है, और अब कहा है कि हालांकि ये बैन हो गई है लेकिन जो भी टीम जीतेगी उसको जो है वो बियर यहां पर कंपनी की तरफ से देने का ऐलान किया गया है। ये बात भी अब निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कतर ने पुरुषों और महिलाओं को लेकर भी, जो खिलाड़ी हैं उनको लेकर भी काफ़ी यहाँ पर नियम कानून कड़े कर दिए हैं। कहा गया है कि जो महिलाएं हैं वो ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगी जिनमें उनका शरीर दिखे। साथ ही साथ पुरुषों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि पुरुष कोई भी आपत्तिजनक स्लोगन वाली टी शर्ट या कोई वो अपनी टी शर्ट यहाँ पर स्टेडियम में नहीं उतार सकते। ये भी साफ तौर पर कतर की तरफ से कह दिया गया है और ये बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। इस बीच अब अलकायदा की धमकी मिलना ये भी बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। किस तरीके से ये टूर्नामेंट मुस्लिम देश में हो रहा है, पहले से ही वो विवादों में है, और अब एक और नया विवाद इस फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। VK News, राष्ट्र के नाम।